हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम 11.8 टॉपिक यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि हम कुछ नंबर्स लेते हैं और कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे x, b, n। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई भी लेटर ले सकते हैं एक्सेप्ट o, और इन दोनों चीज़ों को मिला के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब नंबर्स हमारे पास अगर गिवन है तो एक्सप्रेशंस बनाना ईजी है। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उसके ऊपर भी हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है टेक्स्ट बुक में, सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। अब इसके लिए आपको इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सरिता है, सरिता के पास है 10 ज़्यादा मार्बल्स अमीना से। अगर हमें अमीना के पास कितना है वो पता चल गया तो हम उसमें 10 प्लस कर देंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि सरिता के पास कितना है। तो इसी चीज़ को अगर हम एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जाम्पल x, और उस पर एक्सप्रेशन बना दे x प्लस 10, तो वो बन जाएगा सरिता के पास कितना मार्बल है उसका फॉर्मूला। वन मोर एग्जाम्पल इज बालू इज 3 ईयर्स यंगर देन राजू। बालू जो है वो 3 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा होना, देन राजू, राजू के उम्र से। अब राजू का एज जो भी है, इसमें से छोटा हम कैसे कर सकते हैं डिक्रीज, माइनस अगर कोई चीज़ हम कर दें, माइनस 3 अगर कर देंगे तो बालू का एज मिल जाएगा। तो राजू का एज चलिए हम मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x, a, b, c, d, anything। सो लेट राजूज एज बी x years, then Balu's age will be x minus 3. We have got our formula. So did you notice, more than का मतलब addition हमने किया, younger, lesser than, इस टाइप के वर्ड्स अगर होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। कुछ वर्ड्स को पिकअप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बिकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। बिकास जो है वो राजू की उम्र से ट्वाइस बड़ा है, ओल्ड होना मतलब बड़ा होना। अब ट्वाइस का क्या मतलब है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2। बिकास का एज अगर हमें पता करना है तो हमें राजू के एज में मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज बड़ा है और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो बड़ा वाला नंबर आएगा। तो राजू का एज क्योंकि हमें पता नहीं है, लेट हिज एज बी एक्स, देन बिकॉज एज विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट इज 2x। सो वेन एवर वी विल सी ट्वाइस वी विल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का एक और वर्ड होता है ट्वाइस के अलावा, अगर हम टाइम्स देख ले तो वो भी मल्टीप्लीकेशन वाला वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में राजूज फादर जो है, राजूज फादर एज इज 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। पहली बार पढ़ेंगे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक एक वर्ड पढ़ के अगर हम लिखते चले जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। जैसे राजूज फादर्स एज इज, राजू के पापा का जो एज है दैट इज 2 ईयर्स मोर। मोर देखते ही हमारे माइंड में एडिशन का साइन आ जाना चाहिए, 2 ईयर्स मोर मतलब प्लस 2, देन 3 टाइम्स राजूज एज। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई राजूज एज। अब राजू का एज हमें पता नहीं है, इसे हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं, दैट इज एक्स। तो एक चीज़ हमने ये बना ली 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट इज 3x, और उसी में हमें प्लस 2 करना है, मोर देन निकालना है, इसीलिए यहाँ पे प्लस 2। तो इस तरीके से एक एक वर्ड रीड करके उसे समझ के हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ सकता है। नेक्स्ट इन एग्जाम्पल नंबर 5, हाउ ओल्ड विल सुजैन बी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 साल के बाद, अभी से 5 साल के बाद सुजैन की उम्र कितनी होगी, तो नाउ तो हमें पता नहीं है, लेट नाउ बी एक्स। अभी मान लीजिए हैं कि सुजैन का एज जो है वो एक्स है। 5 साल के बाद तो हम बढ़ जाते हैं, हमारी इंक्रीज हो जाती है एज, तो हम 5 प्लस एक्स कर देंगे तो हमें 5 साल के बाद सुजैन का जो एज हो जाएगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पिछले में जाना है, बिफोर में, प्रीवियस में, हाउ ओल्ड वॉज सुजैन 4 ईयर्स अगो।
चार साल पहले सुजैन की एज कम ही होगी, इसीलिए अभी जो सुजैन का एज नहीं पता तो वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, उसमें से अगर हम चार को माइनस कर देते हैं तो चार साल पहले कितना एज था, डिक्रीज्ड वाला, कम वाला एज हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 में लेसर देन है, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी मतलब 1 kg इज 5 rupees लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी दैट इज 1 kg, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया। एग्जाम्पल 8, प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 times मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 times द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, तो इसीलिए हमने 5p करके प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर निकाला। लास्ट क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 km/h, स्पीड का जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है, यानी कि 1 hour में वो कितना किलोमीटर रन कर रहा है वो होता है उसका स्पीड। तो जैसे ये बस 10 km/h की स्पीड ज्यादा करके जा रही है देन द स्पीड ऑफ द ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड, सो यहाँ पे क्योंकि हमें ट्रक का कितना स्पीड है वो तो दिया नहीं हुआ, तो इसे हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक बी y km/h। अब इस y से ज्यादा 10 ज्यादा की स्पीड में बस जा रहा है, तो बस का स्पीड कितना हुआ, y + 10 km/h। लेट अस डू सम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चंस, वी विल अंडरस्टैंड इवन बेटर। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस रीड। नंबर ए, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई, मान लेते हैं कि सरिता का जो अभी का एज है वो वाई ईयर्स है। अब इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अभी से लेकर 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, 5 साल के बाद हमारी एज बढ़ जाती है, तो बढ़ने के लिए हम करते हैं एडिशन, हमें अभी के प्रेजेंट के एज में प्लस 5 करना है, यही है फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज हर एज 3 years बैक, अब देखिए वॉज है मतलब ये प्रीवियस की बात चल रही है, 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 3 साल कम ही होगी, तो अभी के एज में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 तो हमें 3 साल पहले का एज मिल जाएगा। नंबर 3 इज, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज, 6 times होने का मतलब है 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, हर एज के साथ, तो हर एज अभी दिया हुआ है दैट इज वाई, सो सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज दैट इज 6 × y या फिर 6y। वॉट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो वो हमने निकाल लिया, अगर हम 6 × y कर देंगे तो उसके ग्रैंडफादर का एज मिल जाएगा। उसके बाद ग्रैंड मदर की बारी, ग्रैंड मदर इज 2 years younger, younger मतलब छोटी है, उम्र में कम है, तो कम के लिए हम माइनस करते हैं, 2 years younger than grandfather, grandfather से हमें कम करना है, grandfather का एज हमने क्या निकाला था 6y, अब इसमें से हमें कम करना है 2 years, that means -2, ये expression सॉल्व करते ही हमें grandmother's का एज मिल जाएगा। नेक्स्ट 5th वन इज, सरिताज फादर्स एज, सरिता के पापा का जो एज है दैट इज 5 years मोर देन समथिंग, अभी अब हम बाद में पढ़ते हैं, पहले तो ये चीज़ को हम लिख लेते हैं, 5 years मोर का मतलब मोर से हम एडिशन का साइन लगाएंगे, 5 years से हम 5 लिखेंगे प्लस 5, मोर देन, अब किससे 5 साल ज़्यादा है, 3 times, 3 times मतलब 3 × सरिताज एज, सरिता का एज हमने क्या लिखा था वाई, दैट मीन्स 3 × y, जिसे हम 3y भी लिख सकते हैं। वॉट इज सरिताज फादर्स एज, अब उनके जो पापा का एज है वो सरिता के 3 × करके जो वैल्यू आती है उससे 5 more है, मतलब ये 3y को हमें यहाँ पे लगाना है, ये बन गया एक्सप्रेशन सरिता के फादर्स के एज को निकालने का। लेट अस रीड द नेक्स्ट वन बी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, तो यहाँ पे हमें मन मन में एक रेक्टेंगुलर हॉल बना लेना है, अब उसका जो लेंथ बोला जा रहा है मतलब ये वाला लेंथ वाला पोर्शन, वो लेंथ वाला पोर्शन जो है दैट इज 4 meters लेस माइनस 4 meters है किस से, देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल, 3 times मतलब 3 × द ब्रेथ ऑफ द हॉल, इससे अगर हम माइनस 4 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगा, एंड व्हाट इज द ब्रेथ,
व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी मीटर्स. अगर हम बी वेरिएबल को बी ही ब्रेथ को हम बी ही वेरिएबल मान लेते हैं तो उसका लेंथ क्या है. तो यही है लेंथ का फॉर्मूला जो हमने अभी अभी निकाला. सो टू फाइंड आउट द लेंथ फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द ब्रेथ विथ 3 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 तो उससे हमें लेंथ मिल जाएगा. एंड द आंसर विल बी इन मीटर्स फाइनली क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वही यूनिट हमें आंसर में लिखना होता है. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. सी वी हैव अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हेयर. एक 3D शेप है जिसका हाइट जो है वो h सेंटीमीटर है. सो दिस इज द लेंथ दिस इज द ब्रेथ और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द हाइट h. अब इस बॉक्स का जो लेंथ है लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द बॉक्स. 5 टाइम्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय h हाइट ऑफ द बॉक्स. तो 5 मल्टीप्लाई बाय h लिखने का शॉर्टकट तरीका है 5h लिखना. और उसके बाद उसका जो ब्रेथ है वो कितना बताया जा रहा है. इट इज 10 सेंटीमीटर लेस. हमें -10 करना है तभी 10 सेंटीमीटर लेस होगा किस से देन द लेंथ. लेंथ हमने जो भी निकाला उससे. तो लेंथ हमने कितना निकाला लेंथ 5h निकाला. 5h निकालने के बाद उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 10 तो हमें ब्रेथ मिल जाएगा. क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट. सो हियर वी हैव एक्सप्रेस्ड मतलब हमने लेंथ का फॉर्मूला निकाल लिया ब्रेथ को भी एक्सप्रेस कर दिया फॉर्मूले में इन टर्म्स ऑफ हाइट. इन टर्म्स ऑफ हाइट बोलने का मतलब है हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है उसमें हाइट का वैल्यू जरूर होना चाहिए. सो हियर वी हैव एक्सप्रेस द ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ द हाइट. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डी. मीना बीना एंड लीना तीन सिस्टर्स हैं मे बी या फिर तीन फ्रेंड्स हैं. दे आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू अ हिल टॉप. तो इस तरीके से एक हिल टॉप है यहाँ पे ये तीनों फ्रेंड्स चढ़ रहे हैं. मीना जो है वो स्टेप एस पे है. मीना इज एट स्टेप एस. तो एस एक वेरिएबल है तो हमें पता नहीं है शायद वो स्टेप नंबर 2 पे भी हो सकती है या फिर स्टेप नंबर 4 या फिर 10 पे भी हो सकती है. वी डोंट नो. मीना इज एट अ स्टेप एस. बाकी उसके दो फ्रेंड्स कहाँ हैं. बीना इज 8 स्टेप्स अहेड. अहेड होने का मतलब आगे होना सामने होना. और कोई भी चीज़ अगर सामने है आगे है मतलब मोर में होगा. मोर में होगा तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो किस से वो तो लिखा नहीं है बट दिस इज अंडरस्टूड ओनली. अगर मीना एस स्टेप पे है और बीना 8 स्टेप्स अहेड है तो मीना का जो भी पोजिशन है उसी में हम 8 को ऐड कर देंगे और हमें बीना का स्टेप मिल जाएगा. उसी तरीके से लीना जो है वो 7 स्टेप्स बिहाइंड है. बिहाइंड होने का मतलब पीछे होना कम में होना. और कम में होने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. मीना के स्टेप्स से हम अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लीना का स्टेप मिल जाएगा. वेयर आर बीना एंड मीना. वी हैव रिटन हियर बीना एंड लीना. आई थिंक दिस शुड बी लीना. बीना और लीना कहाँ पे है तो वो हमने ऐसे निकाल लिया एक्सप्रेशन में. उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके हिल टॉप में पहुंचने के लिए टोटल कितने स्टेप्स हैं. द टोटल स्टेप्स आर 10 लेस. 10 लेस का मतलब -10 करना है हमें एक बड़े वाले वैल्यू से. किस से देन मतलब इससे 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड. मीना जहां पे रीच कर रही है उसके 4 टाइम्स. मीना कहां पे रीच कर रही है एस स्टेप पे. तो एस स्टेप का 4 टाइम्स क्या होता है 4s. तो 4s से अगर हम 10 को लेस कर देंगे 10 स्टेप लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द हिल स्टेप इज 4s माइनस 10. दिस इज द आंसर एक्सप्रेशन. उसके बाद लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन ई. अ बस ट्रेवल्स एट वी किलोमीटर पर आवर. एक बस है जो ट्रैवल करता है वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मतलब एक घंटे में. पर आवर मतलब इन 1 आवर वी किलोमीटर ये बस ट्रैवल कर रहा है. नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर. तो ये हमारा दूसरा इन्फॉर्मेशन हो गया. पहला इन्फॉर्मेशन एक घंटे में बस वी किलोमीटर जा रहा है. दूसरा इन्फॉर्मेशन बस दासपुर से बीसपुर जा रहा है. उसके बाद है आफ्टर द बस हैज़ ट्रैवल्ड 5 आवर्स. यहाँ से लेकर शुरू करके 5 घंटे में वो मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा है. आफ्टर 5 आवर्स बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे. मतलब इस पॉइंट से लेकर बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है. अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टेंस
फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, कि बीसपुर और दासपुर का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है। तो देखिए इस ड्राइंग के हिसाब से ये जो आधा किलोमीटर में है वो तो हमें दिया ही हुआ है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर। हमें सिर्फ इतने पोर्शन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें पूरा दासपुर से बीसपुर का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये किलोमीटर हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे स्टार्टिंग के इन्फॉर्मेशन में एक गिवन वेरिएबल है वी किलोमीटर, तो किलोमीटर ही है कुछ, तो किलोमीटर वाला इन्फॉर्मेशन है, मतलब वी किलोमीटर वो एक घंटे में जा रहा है। दैट मीन्स हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इन वन आवर द बस ट्रेवल्स वी किलोमीटर। तो अब 5 घंटे में उसने जो दासपुर से लेकर यहाँ तक बीच में ट्रैवल किया है, इन 5 आवर्स बस ने कितना ट्रैवल किया होगा? 1 घंटे में v किलोमीटर्स, 5 घंटे में 5 × v, जिसे हम शॉर्टकट में 5v किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो दासपुर से लेकर यहाँ तक हमने निकाल लिया 5v किलोमीटर है और इस पॉइंट से लेकर बीसपुर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो अगर ये 5v किलोमीटर और इस 20 किलोमीटर को अगर हम ऐड कर देते हैं, किलोमीटर किलोमीटर डिस्टेंस ही हुआ, तो ये पूरा डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। एंड एनी वे टेक्स्ट बुक में बोला है एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस यूजिंग वी, दैट इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर इज 5v + 20 किलोमीटर्स। हियर वी हैव एक्सप्रेस्ड द डिस्टेंस, मतलब हमने डिस्टेंस निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वी, हमारे आंसर में वी वेरिएबल को यूज करके। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें इन गिवन स्टेटमेंट्स को कुछ सिंपल तरीके से लिखना है। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अगर हम किसी को बता रहे हैं सिंपल भाषा में तो वो लैंग्वेज कैसा होगा वो हमें आंसर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच एंड नलिन स्कोर्स R+15। तो यहाँ पे पता चल रहा है सलीम ने जितने भी रन बनाए हैं नलिन ने उससे 15 ज़्यादा ही बनाए हैं। तो हम ऑर्डिनरी भाषा में अपने फ्रेंड को क्या बोलेंगे कि नलिन्स स्कोर इज 15 रन्स मोर देन सलीम, करेक्ट। तो उसी तरीके से हमें नंबर ए को सिंपल भाषा में बताना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज अ नोटबुक कॉस्ट्स रुपीज पी, अ बुक कॉस्ट्स रुपीज 3p, मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट अगर पी है तो बुक की जो कीमत है वो 3 times कॉस्ट ऑफ द पी है, मतलब नोटबुक के कॉस्ट पे अगर हम 3 multiply करेंगे, 3 times कर देंगे तो हमें बुक का कॉस्ट मिल जाएगा। दैट इज अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। नेक्स्ट वाला है टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन अ टेबल, टोनी ने इतने मार्बल्स टेबल के ऊपर रखे हैं और उसके बाद ही हैज 8 cube marbles इन हिज बॉक्स, जबकि उसके बॉक्स के अंदर 8 times cube marbles पड़े हुए हैं। तो देखिए आंसर स्टेटमेंट हमें स्टार्ट करना है जो बड़ा वाला क्वांटिटी है उसको पहले बताना है, दैट मीन्स उसके बॉक्स में कितना है और वो कितना टाइम से ज्यादा है उसके टेबल में से, इस टाइप का लिखना है। दैट इज सिंपल भाषा में टोनी हैज 8 times marbles इन हिज बॉक्स देन द मार्बल्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट वन इज आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स एंड द स्कूल हैज 20n students। हमारे क्लास में n बच्चे हैं, कम बच्चे, और पूरे स्कूल में 20 times ज़्यादा बच्चे हैं। किससे ज़्यादा? 20 times हमारे क्लास से ज़्यादा बच्चे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो हम इस से स्टार्ट करेंगे कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं हमारे क्लास में से। दैट इज सिंपल भाषा में टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times दैट ऑफ आवर क्लास। नेक्स्ट वाला है जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड, हिज अंकल इज 4z years old एंड हिज आंट इज 4z − 3 years old। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? जग्गू z साल का है, उसके अंकल 4 × z साल का है, मतलब 4 times जग्गू के एज जितने हैं उनके अंकल, और उसकी जो आंटी है वो अंकल के एज से भी 3 years लेस है, बिकॉज दिस इज −3। तो सिंपल भाषा में हम इसे लिखेंगे कि जग्गूस अंकल इज 4 times older than Jaggu, 4 times Jaggu से बड़ा है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड हिज आंटी इज 3 years younger than his uncle, इसीलिए अंकल के एज से हमने 3 minus किया है। और उसके बाद नंबर ई है इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर r रोज, एक ऐसा डॉट्स का अरेंजमेंट है जहाँ पे टोटल r रोज हैं। कितने रोज हैं पता नहीं है, उसे एक वेरिएबल ले लिया r रोज, और एक एक रो में ईच रो कंटेन्स 5 dots। तो इस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में हम लगभग टोटल नंबर ऑफ डॉट्स को ही
ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो मान लीजिए अगर एक रो में 5 डॉट्स है और पूरे रोज आर हैं, टोटल कितने डॉट्स हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ रोज में मल्टीप्लाई कर देते हैं कि एक रो में कितना है, दैट इज आर मल्टीप्लाई बाई 5 या फिर 5R। 5R का मतलब 5 times R। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन एन अरेंजमेंट इज 5 times द नंबर ऑफ रोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ए, गिवन मुन्नास एज टू बी एक्स ईयर्स। मुन्ना एक छोटा सा बच्चा है जिसका एज एक्स ईयर्स है। नाउ कैन यू गेस कि वॉट एक्स माइनस टू में शो। एक्स माइनस टू मतलब मुन्ना से 2 साल कम, 2 साल छोटा, 2 साल लेस क्या हो सकता है? शायद उसका यंगर ब्रदर ही हो सकता है या फिर यंगर सिस्टर, एनी सिबलिंग कैन बी। उसके बाद हिंट भी दिया हुआ है, थिंक मुन्नास यंगर ब्रदर, तो ये ब्रदर का एज ही हो सकता है। नाउ कैन यू गेस वॉट एक्स प्लस 4 में शो। प्लस 4 मतलब मुन्ना के एज से 4 साल ऐड कर देंगे, 4 साल बड़ा कौन हो सकता है? उसका कोई ओल्डर सिबलिंग, मे बी एन ओल्डर ब्रदर और ओल्डर सिस्टर। उसके बाद गेस करने को बोल रहे हैं वॉट 3x प्लस 7 में शो, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका हो सकता है। तो मुन्ना का जो एज है उसमें अगर हम 3 times कर लेते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू 5, मुन्ना का एज अभी 5 ही है, मुन्ना अभी 5 ईयर्स का है, उसमें 3x कर देंगे मतलब 3 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 3 5 15, और इस 15 में हमें क्या ऐड करना है, प्लस 7। 15 प्लस 7 इज 22, तो 22 किसके एज के बराबर का हो सकता है, मम्मी के एज जितना। सो मे बी दिस 3x प्लस 7 एक्सप्रेशन शोज द एज ऑफ हिज मदर। उसके बाद नंबर बी है, गिवन सारा'स एज टुडे टू बी वाई ईयर्स। अभी सारा की एज वाई ईयर्स है, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उसका एज बढ़ जाएगा, मतलब वाई में हम कुछ प्लस करेंगे और एक्सप्रेशन बनाएंगे, और इन द पास्ट, और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट मतलब प्रीवियस में, जहाँ पे हमारा एज लेस होता है, तो उस केस में हम वाई में माइनस करेंगे कुछ नंबर। सो वॉट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल इंडिकेट। सो वाई प्लस 7, इट मीन्स 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years सारा'स एज विल बी वाई प्लस 7। वाई माइनस 3 मतलब 3 साल पहले सारा का एज वाई माइनस 3 रहा होगा। उसके बाद एक एक्सप्रेशन है वाई प्लस 4.5। 4.5 मीन्स 4 और आधा साल, 4 साल और आधा साल, 4.5 के साल बाद, बिकॉज यहाँ पे एडिशन हो रहा है, 4.5 साल के बाद सारा का एज कितना होगा वो ये एक्सप्रेशन बताएगा हमें। एंड देन वाई माइनस 2.5 मतलब 2.5 years अगो, माइनस में कर रहे हैं तो अगो उसका एज कितना रहा होगा वो ये एक्सप्रेशन दिखाएगा। एंड द लास्ट वन इज, गिवन एन स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास हु लाइक फुटबॉल। किसी क्लास में बच्चों को अलग अलग गेम्स पसंद होता है, तो एन नंबर के स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि 2N क्या बताएगा, वॉट मे 2N शो, वॉट मे, ये एक गेसिंग आंसर है, सो देयर कैन नॉट बी एनी फिक्स्ड आंसर। 2N मीन्स 2 multiplied by N, मतलब ये ट्वाइस हो गया, ज़्यादा नंबर हो गया। फुटबॉल से ज़्यादा बच्चों को कभी कभी क्रिकेट पसंद होता है, सो मे बी 2N शोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। एंड देन वॉट मे N डिवाइडेड बाई 2 शोज, मतलब जितने स्टूडेंट्स फुटबॉल को पसंद करते हैं उतने को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, N बाई 2 मीन्स N डिवाइडेड बाई 2, हाफ कर देंगे, तो वो क्या दिखाएगा, वो भी दिखाएगा कि उतने बच्चों को कौन सा गेम पसंद है, तो ये आंसर कम में आ जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग। सो लाइक दिस वी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। आगे हम पढ़ेंगे वॉट इज एन इक्वेशन। जब भी हम इक्वल टू के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं तो वो एक इक्वेशन बनाता है, जिसके बारे में हम और डिटेल में अपने पार्ट 6 वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।